मसीही तालीम दे सारे ही बच्चा नूं जय यीशु मसीह दी। मैनूं उम्मीद है कि तुसी अपने घरां दे विच प्रभु यीशु मसीह दी कृपा दे नाल सुरक्षित हो। प्यारे बच्चो, पिछले अध्याय दे विच असी खुदा दे पंजवें हुक्म दे बारे सुनिया। अज असी खुदा दे छेवें हुक्म नूं पढ़न जा रहे हाँ। किताब दा नाम कैती कीमान दी बुनियाद। मैनूं उम्मीद है कि तुसी इन्हां वचनां नूं बहुत ही ध्यान दे नाल सुनोगे। अध्याय सत्तवां, खुदा दा छेवां हुक्म, हरामकारी ना करना। छेवें हुक्म तो सानू एक बहुत ही प्रभावशाली संदेश मिलता है कि असी अपनी सोच विचार गल्लां ते कम्मां दे विच पवित्र रहिए। हुक्म दे संबंध विच पुराने नेम दे विच भावें हरामकारी दा गुनाह बहुत ही भयंकर मन्या जांदा सी, फिर भी ये लोकां दे विच आम तौर ते प्रचलित सी। लेविया दी पुस्तक दे विच मूसा दी व्यवस्था अनुसार इसकी सजा आदमी ते औरत दोहां दे लई मौत सी। खुदा नूं छड्ड के दूसरे देवतां दे पिछे जाण नूं पुराने नियम दे विच हरामकारी दे प्रतीकात्मक वर्त्या गया है। जिवें लिखिया गया है, इसराइल दी कोई पुत्री देवदासी ना बने अते ना ही कोई पुत्र इहो जिहे काम नूं दैवी करतब समझ के वेशवामां वर्गा काम करे। तुसी ना वेशवापन तो कमाया तन अते ना ही गलत ढंग दे नाल कमाया तन प्रभु अपने परमेश्वर दे घर दे विच चढ़ावे दे लई लै के जाना, ना ही अपनी सुखना लाउण दे लई लै के आयो। प्रभु अपने परमेश्वर दे सामने ए दोवे काम किनाउणे हन। खुदा अपने लोकां तो विश्वास पूर्वक संबंधां दी भाल करदा है। जो लोग खुदा नूं छड्ड दिंदे हन वो अपनी जिंदगी दे विच दुखां दी ही आस करनगे। जिस तरह की आम तौर ते व्यहता जीवन विच बेवफाई दी सजा दुखां दा कारण बनदी है, समसून दी डिगन दा नतीजा भी उसकी वाशना सी। जो कुछ भी ओ खुदा लई करन दे योग बनिया उसने अपने आप तबाह कर दिता, जिसका अंत भयंकर सी, जिस विच समसून दी अपनी जान भी जांदी रही। हेठ लिखे पाठ सानू इसराइल दी नैतिक गिरावट दे बारे झलक विखांदे हन। दाऊद दे बारे कहा जांदा है कि ओ खुदा वर्गा है, पर उसने भी हरामकारी दे द्वारा अपने आप दे लई अते अपनी कौम दे लई अपने राष्ट्र दे लई तबाही लियांदी। तमार दाऊद दी बेटी दाऊद दे वड्डे बेटे अमनोन दी हवस दा शिकार हुई। एब्सलोन बुरे चरित्र वाला इंसान सी अते उसने अपने पिता दे राज दे विरोधी जंग कीती। सुलेमान दे डिगन दा कारण भी उसदा औरतां प्रति वाशना सी। उसके बाद ये लोग दो हिस्सों दे विच वंडे गए। ये दर्शाता है कि जिस तरह दाऊद नबी दा पछतावा सच्चा अति डूंगा सी, उसी तरह खुदा दा फजल भी भरपूर सी। पर दाऊद दे पाप दा असर उसके परिवार अति उसके राष्ट्र तो ना हटाया गया। आज परिवार हमले दे अधीन हन। संसार दे बहुत सारे हिस्सों दे विच अनुचित शारीरिक संबंध नु आम तौर ते प्रचलित हन, जो कि सरासर गलत है अते कैथलिक कलीसिया हमेशा इस दा विरोध करदी है। खुले जिनसी संबंधां दी पूर्ति दे कारण एड्स जियां भयंकर बीमारियां सामने आईयां हन। इस तो साफ सिद्ध हुंदा है कि जदों परिवार प्रति खुदा दी योजना दी उलंघना कीती जांदी है तां उसदा नतीजा भयंकर निकलदा है। छेवीं हुक्म दे नाल साडे फर्ज, छेवीं हुक्म दे नाल साडे ते इह फर्ज बनदा है कि असी नजरां गल्लां अते कम्मां दे विच नेक अते पाक साफ दिल होईए। जेकर असी खुदा दा फजल हासिल करन दे वसीले इस्तेमाल विच ना लियाईए ता साडा पाक साफ रहना मुश्किल है।
पर खुदा कोई इहो जिहा हुक्म नहीं दिंदा जेड़ा हद तो वध मुश्किल जा असंभव होवे। उसी फजल दे राही असी मुश्किल तो मुश्किल अजमाइश उत्ते भी काबू पा सकते हां, क्योंकि संत पौलुस कहंदा है, मैं उस दे विच सब कुछ कर सकदा हां जो मैनू शक्ति दिंदा है। सानू पवित्रता दी सब तो वध कदर करनी चाहिदी है। ए रूह दा सब तो खूबसूरत गहना है, पवित्रता अंदरूनी खुशी अति सच्ची तसल्ली दा स्रोत है, अति इसनू खुदा बहुत चाहुंदा है। शीमा हुक्म की मना करदा है? शीमा हुक्म अपवित्रता अति हरामकारी दे सब गुना जेड़े गल्ला नजरां जा कम्मा दे नाल कीते जांदे हन मना करदा है। उस सब कुछ जेड़ा पवित्रता दी नेकी नू बर्बाद करदा जा उसनू खतरे दे विच पाउंदा है। जिस तरह बेशर्मी वाले कपड़े किताबां गीत अते तस्वीरां भी मना करदा है। हां, शीमा हुक्म गुमराह करन वाले खेल अते नाच मना करदा है, अते उना दे विच शामिल होना गलत है। इसी तरह दियां फिल्मां वेखना भी गलत है। हां, हरामकारी वड्डा गुनाह है, क्योंकि पवित्र बाइबल दसदी है, ए यकीन जान लवो कि किसी दुराचारी लपट जा अशुद्ध आदमी दी जा किसी दी जो लोभी मसीह दे अते खुदा दे राज दे विच कोई मिरास नहीं। हरामकारी शर्मनाक गुनाह है, क्योंकि ए इंसान नू जेड़ा की खुदा दी सूरत ते है जानवर बना दिंदी है। भोग विलास अते शराब अते बदमस्ती अकल नू मार दिंदे हन। हरामकारी दे नतीजे ए इंसान कोलो इज्जत अते बेगुनाही खो लैंदी है, ते उसनू खुदा दी भयंकर कहर दी हेठां लियांदी है। ना सिर्फ इंसान दी रूह सुगो बदन नू भी नुकसान पहुंचांदी है, कई बार सख्त बीमारियां दा कारण बनदी है। ए बुरियां आदतां पैदा करन अते उस दे विच वार बार डिगण दा कारण बन के मर्जी नू कमजोर करदी है अते उसनू शरीरिक इच्छावां दा गुलाम बना दिंदी है। ए होर बहुत सारियां बुराइयां गुनाहां अते बदियां दे वल प्रेरित करदी है। ए इंसान नू बुराई अते बदनामी दे विच खत्म करदी है। इस दुनिया दे विच वड्डी मुसीबत ते अगली दुनिया दे विच हमेशा दी मौत दा कारण बनदी है। नूह दे भयंकर हड़ सदूम अते अमूरा दी तबाही हरामकारी दी सजा सी। संत पौलुस कहंदा है, विपचार तो दूर रहो, बाकी सब पाप जो मनुख करदा है उस शरीर दे बाहर हुंदे हन, पर विपचार करन वाला अपने शरीर दे ही विरुद्ध पाप करदा है। जेड़ियां गल्लां हरामकारी वल प्रेरित करदियां हन की हन? नजरबाजी दा शौक, बुरी संगत ते बुरियां किताबां, बेशर्मी दा लिबास, तस्वीरां, खेल अते नाच, नशाबाजी, भोग विलास अते सुस्ती। अते पवित्रता कायम रखन दे लई वसीले खान पीन दे विच परहेजगारी, खतरे वाले मौकियां दी थावां तों बचना, खुदा दी हजूरी अते आखरी चार गल्लां नू याद रखना, अर्थात मौत, अदालत, नरक अते स्वर्ग। इतराफ अते पाक शराकत दे साक्रामेंट दे विच हिस्सा लेना चाहिदा है। तन कुआरी मरियम दा खुदा दी मां हूं वजू सतिकार करना चाहिदा है। शिवा हुकम सानू की सिखाउंदा है? शिवा हुकम व्याहता जीवन दे विच ईमानदारी ते जोर दिंदा है अते तलाक दी नखेती करदा है। तलाक दी द्वारा परिवार तबाह हो जांदा है, जिसदा एक कारण हरामकारी है। खुदा तलाक तो नफरत करदा है।
कभी यीशु मसीह ने भी इसी नखेती कीती है। संत पालूस भी पवित्र आत्मा दी अगवाही दे विच इसी नखेती करदा है। आओ असी भी अपने आप नू गल्ला कम्मा अति विचारां दे विच हमेशा पवित्र रखी अति खुदा दी वड्याई करिए। अध्याय सत्मी दी सवाल जवाब। सवाल पहला, खुदा दा शीमा हुकम की है? पवित्र बाइबल इस बारे सानू की सिखाउंदी है? जवाब, शीमा हुकम हरामकारी ना करना। पुराने नेम दे विच पावी हरामकारी दा गुना बहुत भयंकर मन्या जांदा सी, फिर भी ये लोकां दे विच आम तौर ते प्रचलित सी। लेविया दी पुस्तक दे विच मूसा दी व्यवस्था दी अनुसार इसी सजा आदमी अते औरत दोवां दे लई मौत सी। खुदा ने छड के दूसरे देवत्यां दे पिछे जाण नूं पुराने नेम दे विच हरामकारी दे प्रतीकात्मक वर्त्या गया है। जिवें लिखिया है, इसराइल दी कोई भी पुत्री देवदासी ना बने अति ना ही कोई पुत्र इहो जिहे काम नूं दैवी कर्तव समझ के वेश्वापन वर्गा काम करे। तुसी ना वेश्वापन तो कमाया तन अति ना ही गलत ढंग दे नाल कमाया तन प्रभु अपने परमेश्वर दे सामने चढ़ावे दे लई लै के जाना, ना ही अपनी सुखना दे लई लै के आउणा। प्रभु तुहाडे परमेश्वर दे सामने ये दोवें काम किनौने हन। सवाल दूसरा, इस हुक्म दे नाल साडे उत्ते की फर्ज हन? छेवें हुक्म दे नाल साडे उत्ते ये फर्ज बनदा है कि असीं नजरां गल्लां अते कम्मां दे विच नेक अते पाक साफ होईए। जेकर असीं खुदा दा फजल हासिल करन दे वसीले इस्तेमाल विच ना लियाईए तां साडा पाक साफ रहना मुश्किल है। पर खुदा कोई इहो जिहा हुक्म नहीं दिंदा जिहड़ा हद तों वध मुश्किल अते असंभव होवे। उस दे फजल दे राही असीं मुश्किल तों मुश्किल अजमाइश उत्ते काबू पा सकदे हां, क्योंकि संत पालूस कहिंदा है, मैं उस विच सब कुछ कर सकदा हां जो मैनूं शक्ति दिंदा है। सवाल तीसरा, हरामकारी दे की नतीजे हन? केड़ियां गल्लां इस वल प्रेरित करदियां हन? जवाब, हरामकारी दे नतीजे इंसान कोलों इज्जत अते बेगुनाही खो लैंदी है अते उस नूं खुदा दे भयंकर कहर दे हेठ लियांदी है। ना सिर्फ इंसान दी रूह सगों बदन नूं भी नुकसान पहुंचाउंदी है, कई बार सख्त बीमारियां दा कारण बनदी है। इह बुरी आदतां पैदा करन अते उस दे विच बार बार डिगन दा कारण बन के मर्जी नूं कमजोर करदी अते उस नूं शरीरिक इच्छावां दा गुलाम बना दिंदी है। इह होर बहुत सारियां बुराइयां गुनाहां अते बदियां दे वल प्रेरित करदी है। इंसान नूं बुराई अते बदनामी दे विच खत्म करदी है। इस दुनिया दे विच वड्डी मुसीबत अते अगली दुनिया दे विच हमेशा दी मौत दा कारण बनदी है। जिहड़ियां गल्लां हरामकारी दे वल प्रेरित करदियां हन उह हन नज़रबाजी दा शौक, बुरी संगत, बुरियां किताबां, बेशर्मी दा लिबास, तस्वीरां, खेल अते नाच, नशाबाजी, भोग विलास अते सुस्ती। सवाल चौथा, पवित्रता रखण दे लई की वसीले हन? जवाब, पवित्रता कायम रखण दे वसीले खाण पीण दे विच परहेजगारी, खतरे वाले मौकियां अते थावां तों बचना, खुदा दी हजूरी अते आखरी चार गल्लां नूं याद रखना अर्थात मौत, अदालत, नरक अते स्वर्ग, इतराफ अते पाक शक दे साक्रामेंट दे विच हिस्सा लेना चाहीदा है, तन कुआरी मरियम दा खुदा दी मां होण वजों सतिकार करना चाहीदा है। प्यारे बच्चों, इस सन साडे सतवें अध्याय दे सवाल जवाब। धन्यवाद।